जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जहां पर हमने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर दिया है। भोले बाबा का श्रृंगार होने के बाद यहां पर सभी लोग कर रहे हैं हवन, तो भैया लोगों ने हवन कर लिया, अब हम लोग भी करने जा रहे हैं हवन। और जैसे कि आज है पूर्णिमा, पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो आज जैसे हम लोग भी नहीं रक्षाबंधन मनाएं, आप लोगों ने भी नहीं रक्षाबंधन मनाया होगा, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि रावण की बहन ने रावण को राखी बांधा था, इसीलिए इस पूर्णवासी को किसी ने भी रक्षाबंधन नहीं मनाया। तो यहाँ पर भैया जी कर रहे हैं भोले बाबा की प्रार्थना। शादी आप लोग भी खाइए, हम लोग भी जा रहे हैं खाने, और भाभी लोग सब इंतजार कर रहे हैं, सबको बारी बारी करके प्रसाद मिल रहा है। जब के बाद में सब इंतजार रहता है कितनी जल्दी प्रसाद मिले और हम लोग प्रसाद खाए। श्रेया सबको दे रही प्रसाद। चक्की भरे तो जहाँ का है आप हम सब लोग अब चल रहे हैं घर के लिए, और वहाँ सबको देते हैं प्रसाद, तो बस पहुँचने ही वाले हैं। हम रेडी ने पड़ी चलो उतर सोमिया आ गए। मनु इधर सामने दिखा दो बस, इस वाले आगे आ जाइए। चलो अरे हाय 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 सब बहुत प्यार करें लागी। पप्पू भैया तो भला हमेशा प्यार की नहीं, दादू भैया। सो गाइस, भंडारे का प्रसाद यहाँ पर बन गया, और प्रसाद में क्या क्या बना है, तो पनीर है, आलू बैंगन की सब्जी है, रायता है, पापड़ है, कचौड़ी है, पुलाव है, पूड़ियाँ हैं। तो भाभी लोग भी सब लोग अतर्रा से आ गई थी, तो वही पूनम भाभी बोल रही हैं कि जल्दी हम ला रहे हैं, और सब लोग यहाँ पर खिलाते जाइए। और प्राची भी आ गई थी, लेकिन प्राची की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और जब माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती तो बच्चे की तबीयत ना ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है। उदयन भी ना बहुत यहाँ के आने से ना इतना चिड़चिड़ा हो गया है, और कुछ होता है ना जब ननिहाल आते हैं ना बच्चे काफ़ी समय बाद ना, तो जल्दी किसी को पहचानते भी नहीं हैं। और तो सभी लोगों को यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहे हैं, और जैसे कि रुद्राभिषेक में जो लोग नहीं पहुँचे उनको भी भाभी यहाँ पर प्रसाद दे रही, तो सब लोग प्रसाद भी खा रहे हैं। और इसके बाद भंडारे का भी प्रसाद आ गया है यहाँ पर, तो सभी बच्चों को खिला रहे हैं। और उदयन तो इतना परेशान कर रहा था, तो यहाँ पर गौरी मैम लेकर के बैठ गई कुछ खिलौने, और यहाँ पर दोनों बहनों की भी बातें आराम से चल रही हैं। और काफ़ी समय बाद है प्राची बिट्टू यहाँ पर मिली हुई हैं, तो होता है ना जब सब लोग साथ मिलो ना कितना अच्छा लगता है। तो वो लोग खास नहीं है, वो लोग सब लोग बैठ रहे हैं, जैसे कि प्राची का नहीं है और किसी का नहीं है, हमारा बिट्टू का बड़ी वाली दीदी का तो फास्ट है, तो वैसे भी भोले बाबा का व्रत आधे टाइम का ही होता है। काफ़ी लंबा ब्लॉक हो गया था ना, सुबह से पचमुआ धाम से हमने शुरू किया था, और रुद्राभिषेक तक हो गया, उस ब्लॉक का हमने एंड कर दिया था, तीसरे ब्लॉक की हमने शुरुआत कर दिया है। सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए कन्या सब बैठ रही हैं प्रसाद खाने के लिए, वंदना बहू सबको खिला रही हैं, बीच में वंदना बहू बैठ गई है। बिट्टू से हम लोग कह रहे हैं कि तुम भी प्रसाद खा लो, तो मेरे बुआ आप लोग जब खाओगे तभी हम भी खाएंगे। आप लोगों को ना बैठ कैमरे से दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रसाद में क्या क्या बना हुआ। नहीं खाता
सुपारी को बोले भाभी भाभी जी हमारी चटक चूरन खा रहे हैं। अभी काली परसों इधर ना बाहर एकदम से खुला खुला सा है। सपना बहू थोड़ी लेट आई थी तो हम लोगों के स्वागत में लग गई हैं, तो हमने कहा तुम ही हमको खिलाओ खाना, तो यहाँ पर सपना सबको खिला रही खाना, हम दीदी बिट्टू और सौम्या श्रेया सब लोग खा लेते हैं। इसके बाद ना हम लोगों को जल्दी ही निकलना है यहाँ से। कितना अच्छा मौसम है, अभी तक तो बड़ी तेज वाली धूप थी, धूप एकदम से गोल हो गई। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, राखी तो लखनऊ से लेकर के आए हैं, बस ऐसे ही बिट्टू को कुछ शॉपिंग करना है। देखो सब प्यारी प्यारी भतीजियाँ हमारी तुम्हारे यहाँ पे, मौसम इतना अच्छा हो गया है और जी बारिश भी होने लगी, बारिश होने लगी बिट्टू, बारिश होने लगी, कैसे चल बिट्टू अच्छा नहीं का तो बैठो, हम नीचे खड़े रहे कार से जाने को। ये हमारी छोटी मैम से मिलिए, हेलो चलो चले मार्केट। हमारी भाभी लोग कह रहे हैं कि हमारे झुमिया वाली राखी है, वो वाली अगर राखी लाएंगे ना तभी हम राखी बंधाएंगे। ए बिट्टू रुंझुनिया वाली राखियाँ मिल जाएंगी, हाँ इस समय अमरूद नहीं है। हम सोच रहे थे साड़ी चेंज करके सूट पहन लेते हैं, लेकिन जिस कार में हमारा बैग रखा हुआ था वो कार चली गई बांदा। अब देखो बांदा से उन लोग कितने टाइम आते हैं, जब तक हम साड़ी पहन कर गए ना, साड़ी पहने के ना कुछ आदत से छूट गए ना, तो इतनी उलझन हो रही है। हम लोग आ गए हैं मार्केट, और पहले हम लोग आए हुए हैं राम मोहन सराफा के यहाँ, तो बड़ी वाली दीदी को ना लेना था रुचि के लिए झुमक लेना था यहाँ पर, तो देखिए कितने सुंदर सुंदर कान के झुमक हैं, और ये वाले झुमक का ना जल्दी फैशन नहीं जाता, तो दीदी ने रुचि के लिए ले भी लिया है। भाभी का कहना है कि मार्केट निकले हैं तो पूरी शॉपिंग कर लेते हैं, बिट्टू के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, तो जैसे कि अब करवा आने वाला है कुछ समय बाद, तो बिट्टू के लिए ना करवा का लोटा ले लेते हैं, क्योंकि बिट्टू पहला व्रत रहेगा करवा का, और इसके बाद ना सुहाग का भी सभी सामान लेना है और साड़ी वगैरह भी लेना है। तो हम लोग आ गए हैं चूड़ी गली यानी राधिका साड़ी वाले के यहाँ, तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग साड़ियाँ, और यहाँ की साड़ियाँ ना बहुत ही अच्छी रहती हैं, तो वही भाभी बोल रही हैं कि आप लोग भी अपने लिए सब पसंद कर लीजिए, तो हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को नहीं लेना है, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं ना तो भाभी लोग दो तीन साड़ियाँ यहाँ से हम लोगों को दिला ही देती हैं, हम लोगों को ना लखनऊ में जल्दी साड़ी नहीं खरीदना पड़ता है। साड़ियाँ देखते देखते ना हम लोगों को 2 घंटे हो गए थे, और एसी है लेकिन इतनी गर्मी है उमस वाली, काफ़ी भीड़ भी थी, और यहाँ पर हमने 5-6 साड़ियाँ ले लिया है, और बिट्टू को ना साड़ी देखते देखते इसका सिंदूर भी नीचे तक आने लगा था, लेकिन यहाँ से हम साड़ी लेकर के अब जल्दी निकल रहे हैं, और यहाँ पर पहले करा रहे हैं बिलिंग, और इसके बाद ना अभी चूड़ी गली में फिर से जाना है, कुछ सुहाग का भी सामान लेना है, और देखिए इस समय ना चूड़ी गली में कितनी भीड़ है, लेकिन यहाँ अतर्रा की चूड़ी गली में ना सुहाग का सामान हो, ये राखियाँ हो, लखनऊ से भी बेस्ट सामान यहाँ पर हमारे यहाँ मिलता है मायके में। आप लोग ये मत कहिएगा कि मायके की तारीफ तो सभी कोई करता है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ चूड़ी गली में ना सामान बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं बिट्टू का जो ये अपना पुराना वाला मकान है, तो यहाँ पर आ गए हैं, तो बिट्टू और भाभी कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकेंगी, और हम लोग जाएंगे वापस लखन जी भैया के घर, और बिट्टू को भाभी को ना रात में ही जाना है पचहुआ धाम, क्योंकि वहाँ भी राखी की तैयारी करना है, त्यौहार है, और आंचल बहू वहाँ अकेले हैं, और इसके बाद हम लोग आ गए हैं लखन जी भैया के यहाँ, तो देखिए सबको प्रसाद भी पैक कर दिया गया, यानी पूरी सब्जी कचौड़ी, और भाभी बिचारी सबकी व्यवस्था भी कर रही हैं, और काफ़ी भंडारे का प्रसाद बच भी गया था, तो जितने भाभी के यहाँ पर किराएदार रहते हैं, पीछे कुछ लोग रहते हैं, तो उनको सब भाभी दे रही हैं। और गाइस ये सुबह का ब्लॉग है, तो हम लोग
और दीदी दोनों लोग ना यहाँ पर बालकनी में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और रक्षाबंधन के विषय में सोच रहे हैं कि दीदी कितने बजे से राखी बांधी जाएंगी। तो हमारी बहनें आप लोग भी खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाइएगा। माँ भगवती की ऐसे ही कृपा रहे भोले बाबा की। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी भतीजी, हमारी बहनें, आप लोग भी खूब अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा। और हम लोग भी देखिए मायके में आ करके खूब अच्छी अच्छी मतलब रक्षाबंधन की हम लोग भी तैयारियाँ कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हो सकता है रानी भी कल आ जाएँ, रुचि भी आ जाएँ, और प्राची तो पहले से हैं, बिट्टू तो पहले से ही हैं, बस ज्योति प्रीति नहीं आ पाई हैं। तो यहाँ पर भाभी ने किचन भी अपनी क्लीन कर लिया। और छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, काम उतना ही हो जाता है। भाभी हमारी सुबह से बेचारी लगी हुई हैं, ऊपर की हॉल किचन की सफाई सब करने के बाद अब नीचे आ गई हैं जहाँ पर बन रहा था भंडारे का प्रसाद। तो यहाँ भी कढ़ाई भगोना सब धुल करके रख दी। हमारा काम रहता फूल बेलपत्र सब तोड़ना, तो हम ये सब तोड़ने के बाद जा रहे हैं पार्थिव पूजन करने। और भाभी के गार्डन में ने फूल बेलपत्र यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारे सभी भैया भाभी लोगों के यहाँ ना गार्डन में ही सब कुछ लगा हुआ है, यानी फूल बेलपत्र। हम लोगों को ना लखनऊ में बाहर निकल कर लेने जाना पड़ता है क्योंकि अपने यहाँ ना इतनी जगह नहीं है, और अपने मायके में ना सबके यहाँ ना इतनी जगह है। यहाँ बाहर के ही गार्डन में हर एक पौधे लगे हुए हैं, जैसे अमरूद का है और आंवले का है, बेलपत्र का है, और आप लोग फूल देख ही रहे हैं। और अभी भी ना हमारा गला सही नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ी पानी भी चेंज हुआ ना, आने जाने में ना बस यही होता है। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे भाभी ने धुल करके रख दिया, सिलेंडर वगैरह सब इधर उधर रख रहे हैं। हमारी भाभी ना बहुत ही काम काजी, यानी पूनम भाभी दुबली पतली हैं लेकिन इतना तेज़ हैं काम करने में। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।